बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं इन पांच बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकते हैं। काफी तेज हवाएं कुछ क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर के अगले 24 से 48 घंटों में चल सकती है। वहीं ओडिशा की बात करें तो कुछ इलाकों में यहां भी काफी भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा के कुछ क्षेत्र मूसलाधार बारिश का सामना कर सकते हैं। गंगा पश्चिम बंगाल के बारे में बता दें तो इक्का दुक्का जगह पर यहां भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगली खबर जो है तमिलनाडु से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। तो पांच बड़ी खबरों में अब छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दें कि यहां भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी पांच बड़ी खबरें। आइए अब आपको बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम विभाग की तरफ से देश के किन किन क्षेत्रों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह का ये अलर्ट है, ये भी हम आपको जानकारी देते हैं। फिलहाल पूरा मैप आप देख सकते हैं, जो क्षेत्र यहां आप हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर किसी भी तरह का अलर्ट नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर आप पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सावधान जरूर रहें, नज़र बनाए रखें। लेकिन जो क्षेत्र आप यहाँ पर नारंगी रंग में देख रहे हैं वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। शुरुआत करते हैं हम गंगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गंगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी ऐसी स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में बन सकती है, काफ़ी तेज़ हवाएं भी कहीं कहीं चल सकती हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं यहाँ पर चलने की संभावना है, वहाँ भी नज़र बनाए रखें। नीचे अगर हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ आए तो हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बिजली भी कड़क सकती है। लेकिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश भी होने की संभावना है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। तो अन्य क्षेत्र जो है जहां पर पीला रंग आपने देखा वहां पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, जिसमें हम विशेष तौर पर आपको बारिश के बारे में जानकारी देते हैं कि कहां कितनी बारिश हो सकती है, यानी कहां ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, कहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से शुरुआत करते हैं, कहीं कहीं यहां पर बारिश हो सकती है लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह बारिश हो सकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बरसात होने की संभावना है, पंजाब हरियाणा दिल्ली में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसी तरीके से झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के लिए अलर्ट भी है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें तमिलनाडु, इसके साथ ही साथ अगर हम भीती दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर बारिश सकती है। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतर उत्तर कर्नाटक, केरल में कई जगह बरसात होने की संभावना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें अभी हम आपको बताते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के बारे में, जहां पर अनेक जगह पर बरसात हो सकती है। लेकिन वहीं अगर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आप देख सकते हैं कि यहां कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति अलग अलग प्रदेशों में। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई है, काफ़ी तेज़ हवाएं भी यहां पर चली हैं। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ बारिश दर्ज की गई है, तेज़ हवाओं की स्थिति यहां पर पिछले 24 घंटों में भी नहीं बनी और अगले 24 से 48 घंटों में भी ऐसे हालात बनते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। पूरे पूर्वोत्तर में पिछले 24 घंटों में बारिश रही, लेकिन असम में हम आपको बता दें कि गरज चमक के साथ बारिश हुई है, तेज़ हवाएं भी चली हैं, ऐसे हालात त्रिपुरा में भी दर्ज किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सभी क्षेत्रों में बारिश हुई है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हालांकि बारिश के साथ साथ कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चली हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो फिलहाल वहां पर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज नहीं की गई है। देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा मौसम का हाल, इसमें अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वहां पर हालांकि पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत में अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
के बारे में, तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। लेकिन वहीं अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो बारिश के साथ यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं भी कहीं कहीं यहाँ पर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम खबर में इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, टर्गा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टर्गा सुपर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के किन क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर गया या फिर नीचे लुढ़का। अधिकतम तापमान के साथ हम तापमान के हाल की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं सबसे पहले असम, मेघालय और उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया। जिसमें अब आगे बढ़े तो इसमें हम अब आपको तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बारे में बताते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें तमिलनाडु और केरल और साथ ही पुडुचेरी भी शामिल है। अब आपको हम जानकारी देते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बारिश के बावजूद भी 1 से 2, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान यहां पर सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। रुक करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की ओर। तो यहां भी तापमान में इजाफा है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से विदर्भ और साथ ही आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भी ज्यादा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब की बात करें तो हालांकि यहां आप देख सकते हैं कि जो लगातार बारिश हो रही है कहीं ना कहीं उसका भी तापमान पर प्रभाव पड़ा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो तेलंगाना में भी बारिश भी हो रही है, काफी तेज हवाएं भी चली हैं। पिछले 24 घंटों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहां भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। दक्षिण में अगर हम तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, अगर हम मदुरई की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि 41.7 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम शुरुआत करते हैं झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल के साथ। तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य से ऊपर रहा है, सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में। दक्षिण की ओर की अगर हम रुख करें तो जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में ये ज़्यादा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी तापमान आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। सामान्य से ये पारा यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है, ऊपर दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया, तो आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, यानी पूरे देश का क्या हाल रहा, आइए डालते हैं उस पर नज़र। Thank you.
तो ये था पूरे देश के तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें मौसम खबर के साथ। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख और बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी दर्ज की गई, आइए उस पर नज़र डालते हैं यानी वायु गुणवत्ता देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो देखिए काफ़ी समय से यहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर बनी हुई है, एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 103 यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी एयर क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, पहले से 100 यहाँ की एयर क्वालिटी है, ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति में बनी हुई है। आगे आपको बताते हैं पटना के बारे में, तो पटना की स्थिति भी अभी फिलहाल संतोषजनक है, 176 है पटना की वायु गुणवत्ता। पटना के बाद अब नज़र डालते हैं कैसी स्थिति रही बेंगलुरु में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 49 है यानी 50 से एक अंक नीचे, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी स्थिति में यहाँ पर वायु गुणवत्ता नज़र आ रही है। पुणे में भी वायु गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, 36 दर्ज की गई है पुणे की वायु गुणवत्ता। आगे आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 51 है, एक अंक ऊपर होने की वजह से फिलहाल ये अच्छी की श्रेणी में है यानी बहुत अच्छी से सिर्फ एक अंक ऊपर है। कोलकाता की बात करें तो 79 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये भी अच्छी की श्रेणी में है यानी 100 से नीचे होने की वजह से ये भी अच्छी की कैटेगरी में यहाँ पर रखी गई है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता लगातार अच्छी बनी हुई है, मुंबई की वायु गुणवत्ता 36 दर्ज की गई है। तो देश के जो बड़े शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता में अब अहमदाबाद का नंबर आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 53 यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई जो कि अच्छी है, काफ़ी बेहतर यहाँ भी वायु गुणवत्ता यहाँ दर्ज की गई है। आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी, मौसम कैसा रहेगा। लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं। लद्दाख किले की बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर हालांकि पार्शली क्लाउडी रहेगा लेकिन अगले 3 दिन अच्छी धूप खिली रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा यानी तापमान में फिलहाल कोई उतार चढ़ाव की यहाँ पर स्थिति बनती नज़र नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो 4 दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली कड़क सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, अधिकतम तापमान यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस और 17 डिग्री सेल्सियस यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहाँ भी कांस्टेंट रहने की स्थिति बनती अगले 4 दिनों में नज़र आ रही है। आगे आपको बताते हैं अन्य जो क्षेत्र हैं जो कि पर्यटक स्थल हैं और जहाँ काफ़ी बड़े पैमाने में लोग जाना चाहते हैं, उनमें अगला नंबर आता है। हम बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की, अमृतसर में भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। अगर हम मंगलवार की बात करें तो यहाँ पर पार्शली क्लाउडी रहेगा लेकिन अगले 3 दिन यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने पंजाब के मौसम पूर्वानुमान में बताया था बारिश को लेकर कि यहाँ भी बारिश अगले 4 दिनों में दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़रूर है, मंगलवार बुधवार को जहाँ अधिकतम तापमान 38 डिग्री है और वहीं कहीं कहीं मंगलवार और बुधवार को बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन गुरुवार को आते आते यहाँ पर तापमान में गिरावट है और शुक्रवार आते आते 38 से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 28 से 26 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार तक यहाँ पर हो सकता है।
जानकारी देते हैं आपको मणिपुर के इम्फाल की। तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि चारों दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अधिकतम तापमान जहाँ मंगलवार को 32 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 31 डिग्री सेल्सियस पर तीन दिन कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 23 डिग्री सेल्सियस है। वहीं शुक्रवार को 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो मणिपुर के इम्फाल की स्थिति है, चारों ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बारिश है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु के ऊटी में चारों ही दिन काफ़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। और चारों दिन यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। चारों ही दिन यहां पर भी आपको बारिश का सामना करना पड़ेगा। तापमान की बात करें तो तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। पहले दो दिन जहाँ 18 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 19 डिग्री सेल्सियस पर तापमान यहाँ पर अगले दो दिन बना रहेगा। अगर मैसूर जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दें कि चारों दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में हालांकि कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन बारिश चारों ही दिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चारों दिन बारिश का आपको सामना करना पड़ेगा। मैसूर की स्थिति है ये, चारों दिन आप देख रहे हैं कि 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान बना रहेगा। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी चारों दिन यहाँ पर बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूनतम तापमान में एक दो डिग्री आप देख रहे हैं, एक डिग्री से उतार चढ़ाव है। वहीं अधिकतम तापमान में भी एक दो डिग्री तापमान ऊपर नीचे अगले चार दिनों में हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो हालांकि बारिश यहां पर होने की संभावना नहीं है, पार्शियल क्लाउडी रहेगा, धूप भी खिलेगी, बादल भी छाए रहेंगे। तापमान भी आप देख रहे हैं 29 से 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, चारों ही दिन यहां पर रहने की संभावना है गुजरात के पोरबंदर में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जिस तरीके से तापमान काफ़ी ज़्यादा था वो अब नीचे आ गया है। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जैसे कि आप जानते हैं कि ये समय बहुत सारे क्षेत्रों में बुआई के लिए और नई फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर आप कृषि कार्यों को आगे बढ़ाएं तो अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आज हम विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट में किन राज्यों को कवर कर रहे हैं, किन राज्यों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई कर लें, यहाँ मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। इस समय बेर में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में बेर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। किसान गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। राजस्थान में ग्वार की बुआई करते रहें, वहीं किन्नों के बागों में सिंचाई करें। अभी भिंडी की देखभाल करते रहें, भिंडी की खेत में सिंचाई कर लें। राजस्थान में फूलगोभी की खेती के लिए खेत तैयार करें, इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च और बैंगन की खेती के लिए खेत तैयार कर लें, इसी तरह धान की खेती के लिए खेत तैयार करें। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें, किसान धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं लोबिया की कटाई कर लें, लोबिया के खेत में सिंचाई करें, यहाँ किसान भिंडी की तुड़ाई करते रहें। गुजरात में मूंग की कटाई कर लें, साथ ही उड़द की कटाई भी करें, इसके अलावा अरहर की कटाई का समय उपयुक्त है। गुजरात में केले के बागों में सिंचाई कर सकते हैं, इसके साथ ही आम की तुड़ाई करें, आम के बागों में सिंचाई करते रहें। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं, गुजरात में टमाटर की बुआई कर लें। खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मूली के बारे में। जी हाँ, अगर आप मूली की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उचित समय है। मूली की बात करें तो लगभग पूरे देश में इसकी फसल ली जाती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, दक्षिण के भी कुछ राज्यों में इसकी फसल ली जाती है, यानी लगभग पूरे देश में आप मूली की फसल ले सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका चुनाव करना बेहतर रहेगा अच्छी फसल के लिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। एक हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है।
इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें, साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज एक हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है, इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारे ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।